अगली खबर की ओर। अंबाला शहर में आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन नगर निकाय मंत्री सुभाष सुधा की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में मंत्री के समक्ष कुल 15 शिकायतें रखी गई, जिनमें से अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। एजेंडे में शामिल हुए कुल 15 शिकायतों में से अधिकतर शिकायतें नगर निगम के विरुद्ध आने पर व स्थानीय पार्षदों द्वारा निगम अधिकारियों के रवैये को लेकर की गई। शिकायतों पर मंत्री सुभाष सुधा का पारा चढ़ गया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत नगर निगम के एक्सीएन महेंद्र व जेई संजीव दलाल को मौके पर ही सस्पेंड करने के लिए आदेश दे दिए। इस कष्ट निवारण समिति के दौरान पिछले लगभग 5 सालों से लंबित चली आ रही डेयरी कॉम्प्लेक्स से संबंधित शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मंत्री सुधा खुद डेयरी कॉम्प्लेक्स का दौरा भी करने पहुंचे। मीटिंग में बातचीत करते हुए मंत्री सुभाष सुधा ने सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी एसी कमरों में ना बैठकर फील्ड में उतरकर जनता के काम करें। उन्होंने कहा कि आज एक्शन और जेई के विरुद्ध शिकायत मिली थी और दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को बरसाती मौसम से पहले शहर में नालों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। मंत्री ने अधिकारियों को साफ शब्दों में चेताया कि या तो अधिकारी काम करें, नहीं तो अपने घर जाएं। अंबाला से निखिल शोभती की रिपोर्ट। देखिए, मुझे आज अंबाला ग्रीन आने का मौका मिला था और मैंने क्लियर अधिकारियों को कहा था ड्रेन वर्षा सफाई के लिए मैं बिल्कुल पर्सनली देखता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ, मैं गुड़गांव गया वहाँ भी, इस तरह मैं फरीदाबाद में भी गया, सारी विधानसभा में गया, इसी प्रकार मैं करनाल में भी गया। आज मेरे को मिला अंबाला में आने का मौका मिला और मेरे को देख कर बड़ा दुख हुआ किस प्रकार से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्या हालात कॉरपोरेशन यहाँ पे क्यों हैं। तो मैंने उनको कहा कि दो दिन के अंदर जितना भी इसका नमका ड्रेन की व्यवस्था है को ठीक करें, अच्छा काम कच्ची ड्रेन करें, जैसे भी करें इनका पानी अपना निकालें, चाहे पंप सिस्टम करें, जिस तरह से आज मैंने अधिकारी को दे दिए, दो तीन दिन के बाद इसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये मैं आपके बीच में कह रहा हूँ। अधिकारी कहीं कोई लापरवाही करता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एसी में बैठकर सोते हैं, अब इनको सड़कों पे आना पड़ेगा। और मैं जनता से कहूंगा बेशक मेरा नंबर ले ले, मैं उस पर एक्शन लूंगा, हाँ छोड़ूंगा नहीं।